साथियों नमस्कार, मैं पुण्य प्रताप सेन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल PS माइंड मस्ती पर। दोस्तों आज के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं सौर मंडल अर्थात सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम से कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों से क्वेश्चन बनते हैं जिनको हम इस विषय में देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए मित्रों देखते हैं सौर मंडल से संबंधित इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट जो प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए मित्रों देखते हैं इन सभी तथ्यों को, चलते हैं तथ्यों की ओर। दोस्तों आपको अक्सर याद रखना है कि सूर्य है एक क्या है, सूर्य एक तारा है, ठीक है ना। और सौर परिवार में पहले 9 ग्रह थे, वर्तमान में 8 ग्रह हैं। यम को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसे हटा दिया है, तो इसको याद रखें। तो जो सूर्य का सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों वो कौन है, मरकरी अर्थात बुध है। तो इसको याद रखना है कि जो सूर्य का सबसे छोटा ग्रह है वो क्या है, बुध है। इसके बाद दूसरा जो हमारा फैक्ट है, सूर्य का सबसे निकट वाला ग्रह, सबसे निकट ग्रह वैसे तो आप लोगों को पता है, क्रम याद होगा तो आप लोग समझ ही जाएंगे कि बुध ही है जो सबसे सूर्य के निकट है। इसके बाद यदि दूरस्थ देखें कि दूरस्थ ग्रह कौन है, तो वरुण है, जिसे अपन नेपच्यून भी कहते हैं दोस्तों। तो इसको भी याद रखें कि इसको हम नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है दोस्तों, शुक्र है। तो इसको भी याद रखना, पृथ्वी की बहन भी इसको कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, तो शुक्र को इन नामों से भी जाना जाता है। तो साथ में इनको भी याद रखें। सबसे चमकीला ग्रह, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो शुक्र है। और सबसे तप्त ग्रह भी यही है दोस्तों, कौन, शुक्र, इसे इंग्लिश में हम वीनस कहते हैं। इसके बाद सबसे चमकीला तारा, ग्रह और तारा अलग अलग है, तो सबसे चमकीला तारा की बात करें तो साइरस, जिसे हम डॉग स्टार भी कहते हैं, तो इसको भी याद रखें। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है दोस्तों, बृहस्पति, जुपिटर, तो इसको भी याद रखें। साथ में सबसे यह बड़ा ग्रह भी है और इसमें बहुत सारे उल्का पिंड पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों, तो इसको भी याद रखें साथ में। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन है, तो मार्स, जिसे अपन मंगल के नाम से भी जानते हैं, तो रात्रि में लाल कौन दिखाई देता है, तो मंगल दिखाई देता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो गैनीमेड, और सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह तो डीमोस, इसको जरूर याद रखें, डीमोस को। नीला उपग्रह कौन है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी को भी साथ में याद रखें, क्योंकि यहाँ पे जल की अधिकता है इसलिए यह ग्रह नीला है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र है, कौन है, शुक्र। हरा ग्रह वरुण, इसको नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति, तो ये बृहस्पति को भी याद रखना है कि विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन है, बृहस्पति है दोस्तों। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो सौर परिवार से संबंधित थे, जिन्हें मैंने आपको एक एक करके समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। हाँ दोस्तों, यदि आपको वास्तव में ये समझ में आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।